वहीं सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने, सहारा के एजेंटों द्वारा दोबारा निवेश के लिए दबाव बनाने आदि को लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में निवेशकों का भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। सहारा इंडिया द्वारा मैच्योरिटी होने के बाद भी अपने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया जा रहा है। शहर में ऐसे कमजोर आय वर्ग के अनेक निवेशक हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई से सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किए थे। इनकी निवेश की समय सीमा पूर्ण होने के बावजूद कंपनी द्वारा भुगतान के लिए गुमराह किया जा रहा है। पैसा लौटाने, सहारा की संपत्ति को सीज करने कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सुमन शील ने प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निवेशकों का रुपए कंपनी से दिलाए जाने की मांग की गई है। सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का, जिनका की निवेश किए गए समय अवधि हो जाने के बावजूद आज तक सहारा इंडिया के द्वारा उनके रकम को नहीं देने, और ऐसे निवेशक जिनकी समय अवधि हो जाने के बावजूद आज विगत 4-5 वर्षों से सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे निवेशकों का एक प्रतिनिधि दल कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के बैनर तले आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर जागेश्वर कौशल जी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में यह बताया गया है कि वर्तमान में ऐसे निवेशक जो अपने पैसे को बचत पैसे जमा कर अपने लड़कियों की शादी के लिए रखे थे, जिनका रकम नहीं मिलने के कारण कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे निवेशकों का रकम देने के लिए सहारा इंडिया के समस्त उनके पूंजियों को सरकार जब्त कर नीलामी कर उन्हें जल्द से जल्द उनके जमा रकम को लौटाया जाए, तथा साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों का निवेश ऐसे सहारा कंपनियों में लगाया गया है उनके रुपयों को लौटाने में पूर्ण रूप से मदद होना चाहिए, और केवल सरकार ही नहीं सारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है, जिसके तहत हम लोगों ने इस संबंध में 1-2 फरवरी से सहारा इंडिया के निवेशकों को रुपए दिलाने को लेकर घर घर जाकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाने तथा निवेशकों को जोड़ने का एक आंदोलन जन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, उसकी भी जानकारी जिला अपर कलेक्टर को दी गई है। गौरतलब है कि सहारा के निवेशक ब्रांच ऑफिस और एजेंटों के पीछे चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। भुगतान के नाम पर इन्हें केवल गुमराह किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।